الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जितनी मखलूकात को पैदा किया है उनमें से जिनको खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है उनकी इस ज़रूरत का ज़्यादातर मदार खेती गृहस्थी पर है। जमीन से जो गल्ला पैदा होता है इसी तरह से दरख्त से जो फल निकलता है इन चीजों से अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात अपने खाने पीने की जरूरत को पूरा करती है। हमारा और आपका ये मुल्क और खुसूसन हमारा ये स्टेट आसाम, यहाँ तो खेती और गृहस्थी के लिए काफ़ी ज़मीन भी है और लोग मुख्तलिफ फसल और मुख्तलिफ गल्ला उगाते हैं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा और यूपी के बहुत से इलाके धान के लिए और गेहूं के लिए यानी इन दोनों फसलों के लिए मशहूर है। जो बड़े किसान हैं उनके खेत में बहुत बड़ी मकदार में गल्ला होता है, वो उन गल्लों को और उन पैदावार को मार्केट में बेचते हैं। सरकारी कानून और नियम के हिसाब से सरकार बाज़ाब्ता पैदावार की एक कीमत सरकारी तौर पर फिक्स करती है और सरकार उसी कीमत पर किसानों से गल्ला लेती है, हत्ता के बहुत मर्तबा किसानों से ज्यादा दाम पर गल्ला लेकर और गवर्नमेंट और हुकूमत नुकसान उठाकर कम कीमत में आवाम को गल्ला देती है, बेचती है। इधर तकरीबन 3-4 महीने पहले हमारे और आपके इस मुल्क में नया जो ज़रई कानून यानी किसानों के हवाले से कुछ नए कानून और नियम जो बने हैं जिनको लेकर किसान कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है क्या इस्लाम इन कवानीन के सिलसिले में हमारी और आपकी कुछ रहनुमाई करता है या नहीं। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया ये सही है
या इससे पहले जो कानून था वो सही था। चुनांचे नए जो कवानीन बने हैं और जिनके खिलाफ में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और 100 से ज्यादा किसानों की अब तक जान भी जा चुकी है, ज्यादा है लेकिन मैं कम बतला रहा हूं। ये नए कवानीन खास तौर पे 3 कानून हैं जिसको थोड़ा सा समझकर और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी मुख्तसर वजाहत हो जाए। पहला कानून यह है कि अब तक किसान सरकार की तरफ से पैदावार और गल्लों की कीमत फिक्स होती थी और उसी कीमत पर सरकार के साथ किसान अपनी पैदावार और गल्लों को फरोख्त करता था, बेचता था। अब नया कानून ये बना कि किसान को सरकार के पास बेचना जरूरी नहीं है बल्कि अपनी मर्जी से और अपने मन के मुताबिक कीमत लेकर और आवाम के साथ भी किसान अपना गल्ला बेच सकता है। अल्फाज, जुमले और ये पूरी बात जिस तरह से बयान की गई, वाकईतन एक आम इंसान अगर सुने तो उसको अच्छा लगेगा और ये कहेगा कि ये तो किसान के लिए अच्छा है कि अब तक सरकार जो कीमत तय करती थी उसी पर बेचना पड़ता था, अब किसानों को छूट दे दिया गया। हम यहां जाएंगे, ये अगर कहेंगे कि 1000 रुपए कुंटल, मैं कहूंगा नहीं बेचूंगा। यहां जाएंगे, इनको कहेंगे कि भाई 1500 या 1200 1300 मेरी मर्जी, जहां होगी जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां पर हम बेचेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए और समझा जाए तो यह कानून तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है और वही आगे चलकर असल पहलू और असल रुख बन जाएगा और किसानों को बहुत खसारा और नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो क्या है कि बड़े बड़े किसान जिनके यहां हजारों टन धान गेहूं होता है, उनका सामान खरीदने के लिए कोई आम आदमी तो नहीं जाएगा, बड़ा बड़ा पूंजीपति ये जाएगा और ये जाकर एक किसान के पास जाकर मिलके कह सकता है कि भाई देखो गेहूं है, गेहूं का रेट तो है सही माने में 20 रुपए किलो और मैं तुमको 20 रुपए किलो ही दे रहा हूं, 21 रुपए किलो दे रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने उससे 15 रुपए में लिया, तुमको भी देना है तो दे दो, नहीं तो 16 रुपए ले लो। इस तरह से लोग देखेंगे कि उन्होंने 15 में बेचा और हमको तो 16 मिल रहा है, शायद इस साल गेहूं की कीमत कम है, तो वो ये सोचकर कम कीमत पे अपना गल्ला दे देगा। एक कानून ये है, इसका नुकसान किसान को इस तरह से होगा। दूसरा कानून ये बना है कि किसान अगर चाहे तो खेत में पैदावार गल्ला तैयार होने से पहले वो अपना फसल यानी अपना गल्ला अपनी पैदावार को वो बेच सकता है। और ये भी देखने में अच्छा कानून है, गरीब आदमी है, पैसे की जरूरत पड़ी, गल्ला तैयार होने से पहले बेच दिया, पैसा मिल गया, वो उसमें खाद डालेगा, सार डालेगा, अच्छी तरह से खेती कर लेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जिस टाइम में किसान खेती करता है आमतौर पे उस टाइम में किसान के पास पैसे कम होते हैं। अब खेती करने के लिए पैसे की जरूरत है तो वो बड़े मालदार के पास जाएंगे, बड़े पूंजीपति के पास जाएंगे और मालदार ये कहेगा कि भाई गल्ला तो हमको मिलेगा 3 महीने के बाद में, उस वक्त जो कीमत होगी वो कीमत मैं नहीं दे सकता तुमको, इतनी कीमत में मैं तुम्हारा गल्ला खरीद रहा हूं,
अगर तुमको मंजूर है तो तुम पैसे ले लो और गल्ला कटने के बाद तैयार होने के बाद मुझको गल्ला यानी के धान चावल गेहूं जो भी है वो देना। इसका एक नुकसान ये भी होगा कि अब जाहिर सी बात है कि उसको कीमत कम मिल रही है, बाद में चलकर फसल अगर खराब हो जाए, धान बढ़िया नहीं हुआ, तो किसान में और खरीदने वाले पूंजीपति में मालदार में टकराव होगा। मालदार कहेगा कि मैंने तुमको ज्यादा कीमत दे दी, किसान कहेगा कि नहीं, जो कीमत फिक्स हो गई उसी कीमत पे मैं गल्ला दूंगा। दोनों में मुकदमा या दोनों में झगड़ा इख्तलाफ लगेगा, कोर्ट पहुंचेंगे दोनों। जब कोर्ट पहुंचेगा मुकदमा और केस लेकर, तो जाहिर सी बात है इलाके का जो कोर्ट होगा यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां भी, उसके बाद हाई कोर्ट वहां भी और सुप्रीम कोर्ट वहां भी, बड़े बड़े मालदार और बड़े बड़े पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा रिश्वत या इधर उधर का दाएं बाएं करके और किसान को मजबूर कर देगा कीमत कम करने पर। दूसरा कानून ये है। तीसरा कानून जो किसानों के लिए बना है और जिसको लेकर किसान बिल्कुल रोड पर सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो ये है कि 1955 में 1955 में एक कानून बना था और वो कानून ये बना था कि जमाखोरी, स्टॉक, किसी चीज का स्टॉक करना जो जरूरी चीज है उसका स्टॉक करना और जमाखोरी करना ये कानूनन जुर्म था। अगर एक आदमी मार्केट में प्याज नहीं है और उसके गोदाम में बहुत प्याज पड़ा हुआ है, वो उसको स्टॉक करके रखे हुआ है, नहीं छोड़ रहा है मार्केट में, तो ये गवर्नमेंट की नजर में ये बड़ा जुर्म था। अब नया कानून में क्या किया है, जो चीजें जरूरी है जिसका स्टॉक करना मना था और जिसको जुर्म शुमार किया जाता था, अब नए कानून के अंदर उनमें से कुछ चीजों को निकाल दिया गया। मिसाल के तौर पे दाल, कहा गया कि ये जरूरी चीज नहीं है, इसका स्टॉक कर सकता है, ये जुर्म नहीं होगा। तेल, ये जरूरी चीज नहीं है, इसका स्टॉक कर सकता है और स्टॉक करना ये जुर्म नहीं होगा। आलू, ये जरूरी चीज नहीं है, इसका स्टॉक कर सकता है, इसका स्टॉक करना, जमाखोरी करना जुर्म नहीं होगा। प्याज, उसका भी यही हाल है। इस तरह की चीजों को जरूरी चीजों से निकाल दिया गया और सरकार ने ये अधिकार और इख्तियार दे दिया कि इन चीजों को अगर कोई अपने गोदाम में, अपने वेयर हाउस के अंदर जमा करके रखता है, स्टॉक करके रखता है, तो हुकूमत की निगाह में ये जुर्म नहीं है, ये कोई कसूर नहीं है। ये तीसरा कानून ये बना है। हम और आप ये ना सोचें कि ये जो तीन कानून है इसका नुकसान सिर्फ किसान को होगा। शरीयत क्या कहती है वो तो मैं बाद में बतला रहा हूं, लेकिन सही बात ये है कि अगर ये तीनों कानून मुकम्मल तौर पे पास होकर नाफिज हो जाता है, इस पर अमल शुरू हो जाता है, तो किसान का जो नुकसान होगा होगा ही, हमारा और आपका भी बहुत नुकसान होगा। मुमकिन है, हो सकता है जो प्याज आज हम 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, आलू 10 रुपए, 12 रुपए किलो खरीदते हैं, वो हमको और आपको 100 रुपए में भी खरीदना पड़ सकता है। हमारी और आपकी भी क्षति और हमारा और आपका भी नुकसान हो सकता है। अब किसान का प्रोटेस्ट करना या उसका धरना देना, ये सही है या गलत, वो आप फैसला करेंगे, लेकिन हम ये देखें कि इन कवानीन के सिलसिले में, इन आईन के सिलसिले में हमारा और आपका मजहब यानी इस्लाम क्या करता है। याद रखिए, दो बुनियादी चीज है जिसका इस्लाम में बहुत सख्ती से पालन किया जाता है और बहुत सख्ती से उसके पालन करने का हमको और आपको शरीयत ने हुक्म दिया है। नंबर एक, अदल। अदल के माने हैं इंसाफ, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। इन कवानीन को अगर सही मान लिया जाए तो हकीकत में
किसानों के साथ ना इंसाफी होगी, किसान के साथ इंसाफ नहीं होगा। वो सुबह से लेकर शाम तक खेत में धूप खाकर बारिश में रहकर अपने आप को बीमार बनाकर हमारे और आपके लिए मेहनत करता है, और जब उसका गल्ला तैयार हो जाएगा, फसल तैयार हो जाएगी, तो जितना पैसा उसने खर्च किया, ये पूंजीपति लोग कोई गेम ऐसा खेलेगा जिसकी बुनियाद पर उसको अपना लगाया हुआ पैसा, अपनी लगाई हुई पूंजी भी किसान को नहीं मिल पाएगी। और जितना आत्महत्या और खुदकुशी किसान अभी कर रहा है, उसका कई गुना ज्यादा आत्महत्या और खुदकुशी करने वाले बाद में पैदा हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अदल और इंसाफ के खिलाफ है। नंबर दो, इस्लाम हमें और आपको ये, हमको और आपको ये तालीम देता है, ला जरारा वला जराब, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को मजबूर करके और उसका सामान नहीं खरीदना है। हदीस में बाबाता बैउल मुज़तर, ये एक चैप्टर आता है हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में, कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाकर और कम कीमत पर उसका सामान खरीदना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस्लामी शरीयत के अंदर ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे की जरूरत थी, पैसा नहीं है, और ये पेन है, मैं सोचा इसको बेच दूंगा, इसकी कीमत मार्केट में 10 रुपए है, 10 रुपए मिल जाएगा तो मैं एक पेट खाना खा लूंगा। अब आपको पता है कि मौलाना साहब पेन मजबूरी में बेच रहा है, इसके घर में खाना नहीं है। आपने मुझको आकर कहा कि मौलाना साहब ये पेन अगर आप उनको 5 रुपए में देंगे तब तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीद सकते, और कहीं आपका ये पेन इससे ज्यादा कीमत में नहीं बिकेगा। आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं, ये बड़े मुस्तर है जो शरीयत की निगाह में जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। तो नंबर एक, ये तीनों कानून जो किसानों के लिए, किसानों के खिलाफ एक तरह से बना है, नंबर एक इसमें किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और नंबर दो इन किसानों को नुकसान पहुंचाने की और इस किसानों को उनकी पूंजी और उनका माल भी हासिल न करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग और साजिश हो रही है। जहां तक मसला है, खास तौर पे इन तीनों कवानीन के अंदर हमारे और आपके साथ जो मसला है वो है कुछ चीजें जो 1955 में जिसकी जमाखोरी और जिसका स्टॉप करना शरीयत की ये गवर्नमेंट ने जिसको जुर्म करार दिया था, आज उन चीजों को जरूरी चीजों से निकाल दिया, जैसे दाल, तेल, प्याज, आलू, इस तरह की चीजें। अब इसका बड़ा बड़ा जो मालदार लोग है, बड़े बड़े मालदार, चाहे अडानी, अंबानी या इस तरह का और कोई हो, वो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, और टन, लाखों टन में वो इस तरह की चीजों को जमा करके रखेगा। शरीयत में, कुरान हदीस की रोशनी में इसको एहतिकार कहा जाता है। एहतिकार मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहतकिर यानी स्टॉक करने वाला जरूरत के बावजूद अपने सामान को मार्केट में न भेजने वाला, अल्लाह की उस पर लानत है, वो शख्स गलत काम करता है, ऐसा काम करना शरीयत में सही नहीं। इस्लाम के आने से पहले और इस्लाम के आने के बाद भी स्टॉक का रिवाज था, तरीका था, और हदीस में ये चैप्टर भी आया है। जैसे मिसाल के तौर पे हदीस की किताबों में आता है तलक्तिये रुकबान, तलक्तिये रुकबान ये सही नहीं। तलक्तिये रुकबान की क्या शक्ल थी, मैं इसको बताकर अपनी बात खत्म कर दूं, आइंदा फिर देखेंगे। तलक्तिये रुकबान की शक्ल ये थी कि पहले जमाने में तो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोर नहीं था, वेयर हाउस नहीं बना हुआ था। अब लोग क्या करते थे, बिजनेस करने वाले एक टाउन में जाते थे, वहां का सामान खरीद कर और दूसरे टाउन में आकर वहां बेचते थे, वहां का सामान खरीद कर तीसरे टाउन में जाकर बेचते थे। अब
टाउन का जो बड़ा बिजनेसमैन है उसको पता चलता था, मिसाल के तौर पे पता चला कि शिलोंग से ऑरेंज कमला ये आ रहा है गुवाहाटी, एक मिसाल दे रहा हूं, शिलोंग से कमला गुवाहाटी आ रहा है, ऑरेंज गुवाहाटी आ रहा है, गुवाहाटी का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है इसका कमला का ऑरेंज का वो आगे बढ़ जाता था। मिसाल मसलन जहां से वो शिलोंग का रास्ता कटता है, क्या है जगह वो, जोराबाट, जोराबाट में आ गया, जोराबाट से और थोड़ा अंदर शिलोंग की तरफ चला गया। अब जो कमला लेकर आ रहा है एक बड़ा आदमी या दो चार दस बीस किसान, उसको वहीं पर रोक लेता था और वो कहता था कि देखो भाई तुम टाउन में जाओगे, कहां जाओगे, किधर जाओगे, कौन लेगा नहीं लेगा, परेशानी होगी, तुम हमारे साथ यहीं पर मामला कर दो और जितना कमला तुम लेकर आए हो मैं उसकी कीमत देकर तुमसे यहीं ले लेता हूं। अब वो बेचारा ये सोचता था कि सही माने में वहां जाऊंगा, किधर बेचूंगा नहीं बेचूंगा, दो पैसा चार पैसा अगर कम मिलता है टेंशन तो नहीं है, यहां पर बेच देते थे। इसको हदीस में कहा गया तलक्की रुकबान, यानी सवारी पर जो सामान लेकर आते थे आधे रास्ते में मिलकर उसको टाउन में मार्केट में आने से रोक दिया जाए और उसका सामान ले लिया जाए, और अब हमारे कंट्रोल में आ गया, हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक एक कीमत फिक्स करेंगे, रेट तय करेंगे और उसके हिसाब से हम बेचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया। और भी कुछ चैप्टर है इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो अगले हफ्ता गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि इस हुकूमत को अल्लाह इंसाफ करने की और किसानों की बात और मजबूरी को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप भी दुआ करते रहें, ये मत समझिए कि ये सिर्फ किसानों के हक में किसानों के खिलाफ है, हमारे और आपके लिए भी परेशानी का बास बन सकता है। वाफर दावाना अलहमदुल्ला।